अभी आसान की अभी मशीन हमारी स्टार्ट हो गई, उसके बाद हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेटअप फर्नीचर। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मशीन के बारे में जो शायद कारपेंटर लाइन में बहुत ही ज़रूरी है। ये कारपेंटर ही नहीं, जैसे बेसिकली आप पेंटिंग काम करते हो या टाइल्स का काम करते हो, उनके लिए भी ज़रूरी हो सकता है। और ये मशीन इतना यूज़फुल है कि एक बार इसे काम करने के बाद कोई भी कारपेंटर बोलेगा कि मैं शावल अभी यूज ही नहीं करूँगा। जैसे वाटर लेवल है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, स्पीड लेवल है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इस मशीन का नाम है लेजर रेडिएशन। हालांकि ये इंडिया में अभी उपलब्ध नहीं है, ये जापानी मशीन है और इसका असेंबल सिंगापुर में किया हुआ है। तो आप इस मशीन से काम कीजिए और जैसे कि आप कपाट खड़ा करते हो, पैनलिंग करते हो, कुछ स्क्वायर में डिजाइन है, किचन का जो कपाट है वो सेटिंग करने का हो, ओवर यूनिट है यानी कि एक्सेट्रा, जो भी आपका काम है वर्टिकल से लेकर हॉरिजॉन्टल तक जो भी मार्क करना आसानी से आप कर सकते हैं। और इसे काम करना बहुत ही बेटर है, ये बैटरी से भी चलता है और इसका इसमें जो चार्ज करने का सिस्टम भी है अलग से दिया गया है। तो आप हमारी वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए और देखिए, अगर आप कारपेंटर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सो आइए मिलते हैं अपने साइड पे, देखते हैं कैसे उस मशीन को ऑपरेट किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही आधुनिक मशीन के बारे में। तो इसका नाम है लेजर रेडिएशन मशीन, जो कि ये जापानी मशीन है और इसका असेंबल सिंगापुर में हुआ है। और आप इसे फर्नीचर काम से लेकर के और भी जो काम होता है इंटीरियर फर्नीचर में, आप उसे यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल वर्क जो होता है फर्नीचर का, उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे पार्टीशन खड़ा करना हो तो बिल्कुल सीधी मार्किंग करना हो, साउल करना हो, या आड़े मार्किंग करना हो, हॉरिजॉन्टली मार्किंग करना हो या वर्टिकली मार्किंग करना हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। और ये देखिए, ये चार्जेबल है, यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हैं लगा करके, और ये बैटरी पर भी चलता है मशीन। यहाँ से आप देखिए, इस तरह का बैटरी आता है पेंसिल वाला, वो भी लगा करके आप इसे चला सकते हैं। इसे चालू करने का तरीका यहाँ से, इस स्विच को यहाँ से आप ऐसे ऑन करेंगे, ये हमारी मशीन देखिए चालू हो गई। अब इसको बराबर जगह हिस्सा रख करके, जैसे ये वी है, वी का मतलब हो गया वर्टिकल, यानी कि वो बिल्कुल सीधी मार्किंग ज़मीन से लेकर के सीलिंग तक का। और ये हो जाएगा एच, एच का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल यानी कि समांतर। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कैसे मार्किंग किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी मार्किंग, देखिए मैंने अभी स्टार्ट किया, ये सीधी जो रेड कलर की जो दिख रही है वो हमारी वर्टिकल मार्किंग हो गई। मैं समझाने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ। वो जब भी मार्किंग करना हो, पार्टीशन खड़ा करना हो, कपाट खड़ा करना हो, आपको कपाट को सेटिंग करना हो तो आप कर सकते हैं इस मशीन की सहायता से। और ये हो गया आउटडोर। अगर आप रूम के बाहर अगर आप मेजर कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर तो कोई ज़रूरत नहीं। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि हमारी लाइट आउटडोर में करने पे थोड़ी तेज़ हो जाती है और इनडोर में रखने से लाइट थोड़ी कम हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी आप देख पा रहे हैं तो देखिए कितनी सीधी इसकी मार्किंग है, थोड़ी भी डिफरेंस नहीं है। और यही आप ओरिजिनल में करना चाहें तो इस बटन का इस्तेमाल करें, तो आप नीचे की तरफ देखिए, ये ओरिजिनल में मार्क हो गई। अगर आप चारों दिशाएँ में करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल किया, फिर ये वर्टिकल किया, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ भी हो गई मार्किंग और उस साइड भी हो गई मार्किंग। सीलिंग दिखाओ, ये देखिए सीलिंग में भी हो गई मार्किंग। तो इस तरह से हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। इस तरह से आप मार्किंग बिल्कुल ईजीली कर सकते हैं। वहाँ साइड में भी देखिए, अपने डिग्री के हिसाब से किस एंगल में आपको सेटिंग करना है, किधर मार्किंग आपका परफेक्ट है चाहिए,
कितना चाहिए, 2 फीट चाहिए, 15 इंच चाहिए, 16 इंच चाहिए, उस हिसाब से पहले टेप से आप मेजर कर लें, टेप से मेजर कर लें, उसके हिसाब से इसको आगे पीछे ऐसा मूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे मूव करके आप यहाँ से मार्किंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं इसके इसके लेवल से। आप आगे पीछे इस मशीन को मूव करके धीरे धीरे देखिए मैं कैसे मूव कर रहा हूँ। देखिए मशीन को ऐसे मूव करना है आगे पीछे, फिर जब भी इसको बंद करना हो इस मशीन को पहले यहाँ से लाइट ऑफ करें, फिर हॉरिजॉन्टल का भी लाइट ऑफ करें, उसके बाद जो यहाँ हमारी बटन है इसको आप ऑफ कर दें। तो ये मशीन हमारे कारपेंटर भाई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे काम बहुत ही ईजी और आसान हो जाता है।